Welcome to the lecture number 10 of computer graphics. Today's agenda is reflection, sharing and scaling. Reflection. Reflection, it is a transformation which evaluates the mirror image of the object. It is of two types, reflection with respect to x-axis, reflection with respect to y-axis. यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन की ये जो टाइप है रिफ्लेक्शन, इसमें हम एक मिरर इमेज के लिए जो हम बात करते हैं मिरर इमेज के लिए, तो उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये दो तरह की होती है जी, रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। जी हम देखते हैं जी, रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस में क्या है जी, इसमें हमारे पास जो एक हमने पी डैश एक्स डैश यानी कि वाई डैश रिफ्लेक्शन को जाहिर करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 0 0 -1 का और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स वाई के साथ, तो ये हमारे पास जो बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा जी एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन बन जाएगा। अगर किसी भी आपने कोऑर्डिनेट की अपने रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करनी है तो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ये पिक्चर में भी बताया गया है, लेकिन इसको हम हासिल कैसे करेंगे, इसको गेन कैसे करेंगे, ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल 1 0 को 0 और 0 माइनस को, ये मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हमारे पर रिफ्लेक्शन आती है। रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस में भी हम यही करते हैं। अच्छा जी, इसमें हमने क्या किया जी, -1 0 और 0 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस के, हमारे पास ये आ जाएगी रिफ्लेक्शन आ जाएगी। तो जनाब हम एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल की मदद से हम समझेंगे कि एक्स एक्सिस के लिहाज से एक ट्राइंगल की रिफ्लेक्टेड पोजीशन कैसे गेन करेंगे। ट्राइंगल एबीसी इज गिवन, द कोऑर्डिनेट्स एबीसी आर गिवन एज एबीसी A3, 4 B6, 4 एंड C4, 8। फाइंड रिफ्लेक्टेड पोजीशन ऑफ ट्राइंगल इन टू द विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस के लिहाज से हमने देखना है जी। जी जनाब, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द मैट्रिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स इज 1 0 0 0 -1 0 0 0 1। ये हमें याद रखना पड़ेगा, एक ट्राइंगल बन गई है जो कि गिवन डेटा से हमने बनाई है। अच्छा जी, तो ए पॉइंट कोऑर्डिनेट आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन के हम इन्हें मल्टीप्लाई किया तो 3 -4 बन गया। दी पॉइंट बी कोऑर्डिनेट आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो भी मल्टीप्लाई किया तो 6 -4 हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। सी पॉइंट कोऑर्डिनेट आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो ये हमने मल्टीप्लाई किया और 4 -8 आ गया हमारा आंसर जी। जी जनाब, अब हम देख सकते हैं कि जी हमारी ओरिजिनल जो ट्रायंगल थी वो हमारी एक्स एक्सिस वो हमारी ऊपर बनी हुई है, और जो हमारी रिफ्लेक्टेड ट्रायंगलर थी विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने रिफ्लेक्ट किए करवाया था उसको, तो वो हमारी जो ट्रायंगलर थी वो हमारे पास आ गई जनाब नीचे बनी हुई है। तो इसमें आपने नोट ये किया होगा कि यहाँ पे जो हमारे वाई की वैल्यूज है उसके साथ माइनस लग गया, बाकी एक्स की वैल्यूज हमारी ऐसी की वैसी विद रिस्पेक्ट टू एक्स था, इसलिए हमारी वाई की वैल्यूज को चेंज हो गई। इट इज सिमिलर टू स्लाइडिंग द स्लेयर इन वन डायरेक्शन टू चेंज शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, ये शेयर करना, शेयरिंग करना, स्लाइडिंग लेयर स्लाइड करना, एक्स शेयर किया है जी, हेयर वाई कोऑर्डिनेट रिमेन सेम इफ एक्स पी ऑफ एक्स वाई न्यू पॉइंट पी एक्स डैश वाई डैश, देन एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस शेयर वाई एंड वाई डैश इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो इसमें हम एक्स शेयर को फिलहाल देख रहे हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में एक्स डैश वाई डैश की तरह 1 शेयर एक्स एंड
एंड 0 1 और एक्स वाई के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, या अगर होमोजीनियस है यानी कि 3 कोऑर्डिनेट्स में है, 3 वैल्यूज हैं उसकी, तो उसमें हम क्या करेंगे जी, उसमें 100 शेयर, 10 एंड 001 के फॉर्म में करेंगे, और ओरिजिनल हमारे पास इस फॉर्म में होगा जैसे कि शक्ल में दिखाया गया, और न्यू वन में थोड़ा सा स्लाइड किया हुआ होगा, आपने देखे थोड़ा सा स्लाइड किया हुआ है। इस तरह के फॉर्म में हमारे पास न्यू और ओरिजिनल और न्यू में फर्क होगा। इसको जब भी एग्जाम्पल करेंगे तो हमें सही समझ आएगी। वाई शेयर में क्या है, शेयरिंग अलोंग वाई एक्सिस, एक्स रिमेन सेम, एक्स रिमेन सेम, तो ये इसमें भी पी ऑफ एक्स वाई पी न्यू जो हमारे पास होगा वो पी डैश एक्स डैश वाई डैश होगा, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स एंड वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस शेयर एक्स। तो ये हमारे पास शेयर वाई डॉट एक्स आएगा एक्चुअली, तो ये हमारे पास वाई। वाई शेयर में अगर मजीद हम इसको एलेबोरेट करें तो इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू 1 शेयर 0 1 एंड शेयर वाई लिखा हुआ है एक्स वाई, और अगर होमोजीनियस कोऑर्डिनेट में देखा तो एक्स डैश वाई डैश 1 इज इक्वल टू 1 शेयर वाई एंड 0 0 1 0 0 0 1 एंड एक्स वाई 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा होमोजीनियस कोऑर्डिनेट। शेयरिंग के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, एक ट्राइंगल दी हुई 0 2 0 2 0 2 0, अप्लाई शेयरिंग फैक्टर 2 एक्स ऑन एक्स एक्सिस एंड 2 ऑन वाई एक्सिस, फाइंड आउट द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल, तो न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल हम फाइंड करेंगे शेयरिंग को मद्देनजर रखते हुए। ये हमारे पास सोल्यूशन है जी। अब शेयरिंग फैक्टर 2 है तो हमने एक्स 1 और y1 को मालूम कर लिया, sx जो है जिसे हम शेयर x कहेंगे वो 2 है, यहाँ पे y0 भी 2 है, तो ये हमारे पास x1 और y1 हमारे पास 6 2 2 आ गए। इसी तरह हमने y डैश और उसको फाइंड आउट किया, दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए 0 0 के लिए फाइंड आउट किया और वो हमारे पास 0 0 आ गया, और तीसरे 2 0 के लिए किया तो वो भी हमारे पास 2 0 ही आ गया। तो इस तरह हमने क्या किया जी, हमने न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट किए जो कि 6 2 0 0 और 2 0 आ गए। ये हमारे पास ओरिजिनल और न्यू में फर्क आ गया, ओरिजिनल हमारे पास लेफ्ट साइड पे है और न्यू हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक राइट साइड पे है शेयरिंग की, जो हमने शेयरिंग की ट्रायंगल की। सिमिलरली हमने वाई शेयर किया, वाई शेयर के लिए हमने 2 2 को रखा तो हमारे पास 2 6 और 0 0 और बी पॉइंट के लिए 0 0 कोऑर्डिनेट है, बिल्कुल वैसे ही है, वह फार्मूलाज में वैल्यूज को हमने पुट करते गए और हम अपना आंसर लेते गए। और जी शेयरिंग एक्स ए बी सी के हिसाब से करने के बाद हमें पता चल गया कि ओरिजिनल और न्यू में हमने विद रिस्पेक्ट टू ये वाई शेयर किया और विद रिस्पेक्ट टू एक्स शेयर किया, तो हमारी फिगर्स चेंज हो गई थोड़ी सी, और ये चेंज कैसे हुई, कैसे स्लाइड हुआ, ये हमने देख लिया एग्जांपल की मदद से। स्केलिंग, इट इज यूज्ड टू अल्टर द एंड चेंज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, देयर आर टू स्केलिंग फैक्टर्स एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, इफ स्केलिंग फैक्टर ऑब्जेक्ट साइज विद नॉट साइज, स्केलिंग फैक्टर अगर एक होगा तो साइज चेंज नहीं होगा, सिंपल वर्ड में कह देते हैं, वो स्केलिंग फैक्टर ग्रेटर होगा तो ऑब्जेक्ट साइज इनलार्ज होगा, और रिड्यूस लेस देन 1 होगा तो वो रिड्यूस होगा। थैंक यू सो मच, इफ यू हैव एनी क्यूरी देन यू कैन आस्क मी थ्रू comments.